हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रहा है। हेलो, हेलो आशुतोष। हाँ, आवाज आ रहा है आप? हाँ सर, आ रहा ठीक है। तो है। यस सर, आ रहा हम है। लोग, हाँ ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग शायद कैलकुलेशन और पोटेंशियल करने वाले थे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग जाने थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल था कि फिर हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। ऑफ पोटेंशियल ठीक है, ये करके देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहला हम देख रहे हैं कि फॉर एक किसी चार्ज के लिए, ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन अब आ रहा है। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल देख रहे थे और पहला हम लोग देख रहे हैं कि फॉर वन चार्ज, ठीक है, अगर एक कोई चार्ज रहा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है, इससे हम आर दूरी पे यहाँ कहीं पॉइंट पी है, वहां पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो डिफिनेशन में पढ़े थे कि अगर हम किसी यूनिट चार्ज को, यानी कि अगर हम स्मॉल क्यू ले रहे हैं जो यूनिटी है, इसको अगर हम इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पी तक लाते हैं, ठीक है, तो अगर हम इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पी पे इस चार्ज को लाते हैं, तो लाने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफाइन किए थे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ कहीं बीच में इसको उठा के ला दिए हैं और ये डिस्टेंस को हम लोग एक्स मानते हैं, ठीक है। अब यहां से देखे ध्यान से, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ हम ला रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स ला रहे हैं। अब लाना हमको ऐसे है कि एफ एक्सटर्नल जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, यही था हमारा डिफिनेशन में, ठीक है। तो
हम वर्क डन बोल रहे हैं तो जो डेल्टा डब्ल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा एफ एक्सटर्नल इनटू डीएक्स, ये आता है डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। और चूंकि हम लोग यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं और ये हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये डेल्टा एक्स से यानी कि डेल्टा एस से डिस्प्लेसमेंट किए हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा एक्स माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो डीएक्स एलिमेंट आ रहा है वो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो डेल्टा एक्स होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, तो इसलिए हम लोग ऐसा रख रहे हैं। अब ये जो मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो रखेंगे के क्यू क्यू बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा बोलो, के क्यू क्यू तो बाहर आ जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स, और कहां से ला रहे हैं तो इन्फिनिटी से आर दूरी तक, तो इन्फिनिटी से आर। हमको यहाँ कुछ कुछ कैलकुलेशन जो है पोटेंशियल जैसा ही लग रहा है और लगना भी चाहिए, के क्यू क्यू बाई आर आ जाएगा हम लिमिट पुट करेंगे तो, ठीक है। और इधर डब्ल्यू, अब हम जानते हैं कि क्यू चार्ज के लिए वर्क डन डब्ल्यू, तो वन यूनिट के लिए क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू, और इसी को हम लोग भी बोले थे, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भी होगा डब्ल्यू बाई स्मॉल क्यू यानी कि के क्यू बाई आर, क्योंकि हम स्मॉल क्यू को यूनिटी माने। तो हमारा किसी भी एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज है, जैसे कि हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो अगर चार्ज यहाँ पे क्यू है, इससे आर दूरी हम कहीं भी जाएं, ठीक है, आर दूरी हम कहीं भी जाएं, तो इससे जो पोटेंशियल होगा आर दूरी पे वो कितना होगा, तो के क्यू बाई आर होगा, ठीक है। अगर वेरिएशन देखोगे x के साथ साथ, यानी कि अगर हम इधर पोटेंशियल लिखे इधर डिस्टेंस r लिखे, तो ये हमारा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स जैसा है, ये कैसा हो जाएगा, ऐसा कर जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है, ठीक है। सिंपली हम इसमें नया कुछ भी नहीं किए हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़े थे वही चीज इसमें भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसी पे बेस्ड सेकेंड चीज देखते हैं, अगर फॉर मोर देन टू चार्जेस, मतलब मोर देन वन चार्जेस यानी कि टू और मोर चार्जेस होगा, उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से ही देख रहे हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसके हर कॉर्नर पे, तीन कॉर्नर्स पे चाहे हर कॉर्नर पे ही रख लेते हैं, क्यू चार्ज रखा हुआ है साइड लेंथ ए, ये हमारा पॉइंट ओ है जो इसका सेंट्रोइड, हमसे पूछा जाएगा पोटेंशियल एट ओ बताओ, यहाँ पे दो से ज्यादा नहीं एक चार्ज तो है नहीं, दो से ज्यादा है, तो हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है ये कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर, ठीक है, यानी कि ये हमारा अगर पहला हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, ये तीसरा चार्ज हो गया, ये फोर्थ चार्ज हो गया, स्केलर क्वांटिटी है, हम
हर एक से निकाल कर अगर जोड़ दें तो हमारा टोटल पता चल जाएगा। तो हमको भी एट ओ निकालना है, तो हम बोल सकते हैं ये भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री प्लस भी फोर होगा। ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है, तो डायरेक्शन का चिंता नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है मैग्नीट्यूड जोड़ना। अब मैग्नीट्यूड के लिए हमारा आता है कि भी इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, यही आ रहा है एक चार्ज के लिए। तो अगर हम इस चार्ज के लिए लिखेंगे भी वन, क्या लिखेंगे के क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस। अब चूंकि ये एक स्क्वायर है तो इसका डायगोनल जो होगा रूट टू ए होगा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए बाई रूट टू। कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि रूट टू ए का आधा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बाई रूट टू प्लस वी टू। भी क्या सारा डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो सब वही आएगा। तो के क्यू बाई ए बाई रूट टू प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। चारों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू फोर के क्यू, रूट टू ऊपर चला जाएगा तो ऊपर ही ला देते हैं, ठीक है। फोर रूट टू के क्यू बाई, ठीक है। यानी कि अगर एक या दो से ज्यादा रहा, एक रहा तो सिर्फ के क्यू बाई आर, और एक से ज्यादा रहा तो हमको सिंपली ऐड कर देना है। वेक्टर है नहीं तो डायरेक्शन का चिंता नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज माइनस Q है, और ये पॉइंट O है। हमको पूछा जा रहा है पोटेंशियल एट O कितना हो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, और ये साइड भी A। इसके लिए बताओ आ गया क्या? टू के क्यू बाई ए नहीं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम भी ओ पता करना चाहते हैं तो ये भी प्लस क्यू के कारण प्लस भी माइनस क्यू के कारण होगा। तो प्लस क्यू के कारण रखेंगे तो क्या लिखेंगे के क्यू बाई ए प्लस के। यहाँ पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू। चार्ज को हमेशा हम लोग फॉर्मूले में कैसे रखते हैं? साइन के साथ। ये आ गया ए, प्लस माइनस मिलके कितना हो जाएगा? जीरो। बात समझ आया? ठीक है, तुम यहाँ पे प्लस चार्ज को इसमें साइन के साथ क्यों रखे? हम यहाँ माइनस ले, प्लस साइन के लिए के क्यू बाई आर है, तो हमारा फॉर्मूला आया के क्यू बाई आर। यहाँ पे हम प्लस साइन चार्ज के लिए लिखे थे, यानी कि इसमें जो चार्ज को होगा हमको साइन के साथ नहीं रखेंगे। तो यहाँ जो हमारा डेरिवेशन है, यहाँ पॉजिटिव, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिए, नेगेटिव होता तो डायरेक्शन चेंज हो जाता, बोलो। यानी कि सारा चीज चेंज हो जाता साइन में। इसी वजह से हम लोग को इसमें क्या करना है, चाहो तो लिख लो पुट चार्ज विद साइन, ठीक है। चार्ज को साइन के साथ रखना है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे चार्ज एक प्लस क्यू है। ये कोऑर्डिनेट दे रखा है माइनस टू कॉमा जीरो, और ये दे रखा है टू कॉमा जीरो। इतना बात क्लियर है? हमसे पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल, फाइंड वी एट फोर कॉमा जीरो, यानी कि पहला जो है ए पे जो फोर कॉमा जीरो यानी कि यहाँ पे ए है वहां निकालना है, एंड एट बी जो कि है जीरो कॉमा टू पे, यानी जीरो कॉमा टू इधर कहीं बी होगा,
इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालना है। सॉल्व करो, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट, दो पॉइंट्स पे हमको फाइंड करना है। आ गया सर, ए पे के क्यू बाई थ्री कितना? के क्यू बाई थ्री, के क्यू बाई थ्री देखते हैं। किसी और का और किसी का आया? बी पे जीरो। हाँ, बी पे जीरो आएगा, ठीक है। ए पे हमको पता करना है तो ये प्लस वाले और माइनस वाले दोनों के कारण निकाल के जोड़ देंगे, यानी कि अगर हमको भी ए लिखना है तो लिखेंगे भी प्लस प्लस भी माइनस, माइनस यानी माइनस चार्ज के लिए, प्लस यानी प्लस चार्ज के लिए। और हमको ये दिख रहा है कि ये डिस्टेंस टू है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, मीटर में ही। और ये डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा? फोर। और अगर हम ये डिस्टेंस लें यहाँ से माइनस क्यू से, ये जो डिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा हमारा सिक्स, ठीक है। तो अब अगर हमको यहाँ से प्लस चार्ज के लिए लिखना है, लिखेंगे के क्यू बाई टू, प्लस माइनस चार्ज के लिए तो के माइनस क्यू बाई सिक्स। ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? सिक्स माइनस टू, फोर बाई ट्वेल्व के क्यू, यानी कि वही के क्यू बाई। सबका इतना ही आया था? ठीक है। एट पॉइंट बी, अगर बी पे हम फाइंड करना चाहते हैं, देखो यहाँ माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, यहां से सेंटर से अगर इधर कहीं पॉइंट बी इस लाइन पे कहीं भी रहा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या रहेगा? सेम, क्योंकि ये टू है, ये टू है, ठीक है, और ये भी अगर टू दे रखा है तो ये कितना आ जाएगा? टू रूट टू, ये भी टू रूट टू, एंड डिस्टेंस सेम है। तो भी एट बी अगर लिखेंगे तो लिखेंगे के क्यू बाई टू रूट टू प्लस के माइनस क्यू बाई टू रूट टू, दोनों मिलके कितना हो जा रहा है? जीरो, ठीक है। कितनों का आ गया था? ठीक है, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। और मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, ये क्या है? रिंग, ठीक है। इस पे चार्ज q है, रेडियस r है, ये पॉइंट O है, यानी कि इस पे चार्ज हम ऐसा दे रखे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म है। हाँ, तो भी एट ओ क्या होगा ये बताना है। बताओ कितना आ रहा है? सर के क्यू बाई आर आएगा क्या? हाँ, जी, अगर हम यहाँ से ऐसे सॉल्व कर ले, मान लेते हैं यहाँ से हम एक छोटा सा एलिमेंट ले जाएं, यहाँ पे डी क्यू एलिमेंट मान ले, तो उस डी क्यू के लिए
डी भी जो लिखेंगे क्या लिखेंगे के डी क्यू बाई आर, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा भी बराबर क्या आ जाएगा, भी इज इक्वल टू के बाई आर, तो कांस्टेंट हो रहा है डी क्यू जीरो से क्यू, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं तो आ जाएगा के क्यू बाई आर। ठीक है, दूसरा हम ऐसे सोच सकते थे कि यहाँ सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर से इस रिंग का हर एक पॉइंट से जो दूरी होगा सारा क्या होगा, सेम होगा। यानी कि सिंपली अगर हम सब चार्जेस को वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री करके लिखते थे यही आता, और फाइनली हम लिख सकते थे के क्यू बाई आर। ठीक है, इसी चीज को माइंड में रखते हुए ये क्वेश्चन करो, एक सेमी रिंग, ठीक है, ये ओ है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो वी एट ओ कितना होगा, सेमी रिंग है, कितना आ रहा है चार्ज क्यों ही है ना पूरा में, हाँ ये हाँ सेमी रिंग में पूरा, हाँ चार्ज क्यों ही है, पर के क्यू बाय आर ही आ जाएगा, हाँ सेम आएगा क्योंकि सारे का चार्जेस का डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं के क्यू बाय आर। अगर ये दे दिया तो रिंग है, ठीक है, चार्ज क्यू रेडियस आर, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तब पॉइंट ओ पे कितना होगा, चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, फिर तो चार्जेस उतने ही दूरी पे है सारे के सारे, तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे सोच सकते हैं कि सारा चार्ज सेम दूरी पे है इसलिए के क्यू बाई आर ही रहेगा ऐसे के। ठीक है, एक ये है, अब धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं पॉइंट चार्ज से छोड़ के, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उससे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यहाँ पॉइंट पी है जो कि यहाँ से डिस्टेंस ए दूरी पे है, ठीक है, ये एल लेंथ का है और इस पे चार्ज जो है क्यू, तो हमको बताना है कि वी एट पॉइंट पी जो होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितना होगा, ये हमको सॉल्व करना है। यूनिफॉर्म है, ठीक है, हम लोग जो भी चीज पढ़े हैं सब किसके लिए पढ़े हैं, पॉइंट चार्जेस के लिए, तो हम भी ये पॉइंट चार्ज के लिए यूज करना चाहेंगे, तो हम लोग पॉइंट चार्ज कैसे ले सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग एलिमेंट लेते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लें डी एक्स जो कि यहाँ से जिसका दूरी है एक्स, तो इस डी एक्स पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, और डी क्यू चार्ज कितना होगा, तो देखो यहाँ ध्यान से कि एल लेंथ पे चार्ज कितना है क्यू, एल लेंथ पे चार्ज क्यू, तो वन यूनिट पे क्यू बाई एल, ये कितना हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। ये बात सबको क्लियर है कि एल लेंथ में चार्ज कितना है क्यू, तो वन यूनिट में हो जाएगा क्यू बाई एल, तो डी एक्स एलिमेंट में कितना हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, तो यही चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि डी क्यू, यहाँ डी क्यू लिख लिए, अब उसके कारण जो हम पोटेंशियल लिखेंगे डी वी वो कितना हो जाएगा के डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना है एक्स, इंटीग्रेट कर लेंगे, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक एक्स वेरी कर रहा है, इस पोजीशन से लेके यहाँ तक, यहाँ कितना है ए और यहाँ कितना हो जा रहा है ए प्लस एल, यहीं से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे ए से ए प्लस एल तक वेरी कर, इधर इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, अभी के कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, इंटीग्रल
वन बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वन बाई एक्स डी एक्स का? ln x, ठीक है, तो ln x लिमिट पुट कर लेंगे, ये कितना आ जा रहा है k ln a प्लस एल बाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिससे हमारा वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा और फिर इंटीग्रेट कर देना, जैसा कि हम लोग शुरू से करते आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब कैलकुलेशन में ऐसा ही काम किए होंगे, यहाँ भी हमको सेम चीज करना है, ठीक है। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज, ठीक है, एक चार्ज रिंग है उसके एक्सिस पे, यानी कि हमारे पास एक ऐसा चार्ज रिंग है, यहाँ पे एक्सिस हो गया, इससे एक्स दूरी पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा हमको बताना है, जबकि इस रिंग पे चार्ज क्यू दे रखा है और इसका रेडियस आर, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो गए ऐसे क्वेश्चन में कि रिंग होगा उस पर चार्ज क्यू है, पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, याद है? याद है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आया था? किसी को भी के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस टू पावर थ्री बाई टू, नहीं नहीं याद है, याद आ गया, याद आ गया, ठीक है। तो वो भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व किए होंगे, वैसे ही यहाँ भी हमको फाइंड करना है इस रिंग की वजह से पॉइंट पी पे, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, सोच सकते हो अगर हम यहाँ एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये दूरी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ एक एलिमेंट लेंगे तो यहाँ से भी ये ऐसा आएगा, यहाँ लेंगे कहीं भी लेंगे तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या ये भी डिस्टेंस हमारा उतना ही होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर इस पॉइंट से लेते इस पॉइंट से कहीं से भी लेते हम डिस्टेंस पे रहता ना, हाँ, तो हम डायरेक्टली लिख ले वीपी क्या हो जाता है, बोलो सारा का सारा चार्ज सेम दूरी पे है तो दूरी से डिवाइड करके लिख लेंगे, ये आ जाएगा, जैसा कि हम लोग इसके लिए किए थे, ये सब जो चीजें केसेस किए थे हम लोग बिना इंटीग्रेशन का, कि यहाँ से सारे चार्जेस का दूरी जो है सेम डिस्टेंस पे है, जोड़ेंगे तो क्यू ही आना है, तो के बाई आर इंटू क्यू, वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं कि सारा डिस्टेंस जो है इतने ही दूरी पे है तो k by a तो कांस्टेंट रहेगा और सारे स्मॉल चार्जेस को ऐड करेंगे तो कैपिटल Q ही आएगा, यानी कि हमारा जो पोटेंशियल आ जाएगा k q by अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा, बात क्लियर है? यानी कि रिंग के लिए अगर हमसे बोला जाए तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ये चीज होगा, यानी कि इन सब चीजों में हमको ध्यान रखना है कि अगर चार्जेस सेम दूरी पे है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्लियर है? अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ तो सर, क्या अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ तो? अच्छा, मान लो कि ये रिंग है, इस पे अगर चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा है यहाँ कम है, मान लेते हैं यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, इस पॉइंट से क्या सबका दूरी सेम है? तो जब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो k by r तो कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ क्या बचता है dq, यस सर,
अब इसका इंटीग्रेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन एंड सम रिप्रेजेंट करता है। yes, सारे चार्जेस को जोड़ के क्या आएगा फाइनली, क्यों ही आना है? yes, तो यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे, हमारा आंसर क्या आएगा? यही आएगा। yes, बात समझ आया? yes, sir. ठीक है। इसी पे से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, गलती नहीं करना, फाइंड करना है VA माइनस VB। ठीक है, यहाँ एक रिंग है, एक रिंग यहाँ, इस पे चार्ज Q है, रेडियस R है, ये डिस्टेंस भी R है, इस पे चार्ज है माइनस रूट फाइव क्यू और रेडियस है 2R। ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है A और ये पॉइंट दे रखा है B। हमको ये फाइंड करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A और B क्या होगा। फाइंड करो, अभी दो चीजें पढ़े, उन्हीं दोनों को यूज करके फाइंड करना है। आया? अगर हम यहाँ ए पे लिखना चाहते हैं पोटेंशियल, यानी कि हम भी ए लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी ए इस वाले चार्ज के कारण, यानी कि इस रिंग का ये सेंटर है, इस वाले रिंग का यानी कि स्मॉलर रिंग का ए पॉइंट सेंटर है, तो ये भी क्यू के कारण लिखेंगे और प्लस भी माइनस रूट फाइव क्यू के कारण, दोनों चार्जेस हैं उन दोनों के कारण पोटेंशियल लिखाएगा। अब ये जो स्मॉल क्यू बोल रहे हैं, ये क्यू जो है उसकी वजह से अगर हम लिख रहे हैं तो ये इसके सेंटर पे है, इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं के क्यू बाई आर रहेगा, प्लस इसकी वजह से अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ तो के माइनस रूट फाइव क्यू लिखेंगे, नीचे अब डिस्टेंस। तो ये अगर ध्यान से देखें तो इस चार्ज जो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बड़े वाले रिंग पे, यहां से सारा का डिस्टेंस ये है, ठीक है, और वो डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ दिख रहा है ये 2R, ये है R, तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमको दिख रहा है क्या, रूट फाइव आर। ठीक है, ये कितना दिख रहा है, रूट फाइव आर पाइथागोरस थ्योरम से, तो नीचे आ जाएगा हमारा रूट फाइव आर। ध्यान से देखो तो ये कितना आ रहा है, जीरो, यानी पोटेंशियल एट ए जो आ गया हमारा जीरो आ गया। नाउ अगर हम पोटेंशियल एट पॉइंट बी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी अगर हमको फाइंड करना है, यानी कि इस पॉइंट पे, तो बी जो होगा इस वाले चार्ज के कारण भी और इस वाले चार्ज के कारण भी, हम लिख देते हैं यहाँ भी क्यू के कारण होगा और माइनस रूट फाइव क्यू के कारण, दोनों की वजह से। तो अगर हम Q के कारण लिखना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे, तो ध्यान से देखो ये Q का डिस्टेंस यहाँ से ये होगा और ये भी R, ये भी R, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू आर। तो हम लिखेंगे इसके लिए K Q बाई रूट टू आर और प्लस K माइनस रूट फाइव क्यू बाई टू आर। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे और भी ए माइनस भी निकाल रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो, तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर, यहाँ वन बाई रूट टू माइनस रूट फाइव बाई। ठीक है, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? No.
ये बात अगर हमको समझ में आ गया है कि अगर हमको पोटेंशियल फाइंड करने आ रहा है कुछ भी, तो एक चीज अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन भी एंड इलेक्ट्रिक, भी बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा हमको वही पता करना, ठीक है। तो क्या रिलेशन होगा देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है एफ एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस एफ इलेक्ट्रिक इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हमने डिफिनेशन से लिखे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और फोर्स हम लोग लिखते हैं Q into E। ये बात क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q चार्ज पे फोर्स लगता है वो Q into E होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइनस Q into E dot ds, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल जा रहा है, चलो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, dW by ठीक है, यहां से हम Q को डिवाइड कर दिए तो ये मिल गया माइनस E डॉट ds, ds लिखो या dr लिखा हुआ मिल जाएगा, और ये W बाई Q जो हमको मिला था और कुछ नहीं बल्कि पोटेंशियल मिला था, तो यहाँ हमको रिलेशन मिल गया dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, या फिर इसी को लिख सकते हैं dr को डिवाइड कर लेंगे तो dv बाई dr इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr या फिर dv इज इक्वल टू माइनस e dr, ये रिलेशन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये नया नहीं है, 11th में पढ़े हैं हम लोग कि अगर किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो जो वर्क डन होता है, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा यू जो लिखते थे माइनस डी एफ बाय डी एक्स, ये लिखते थे, याद है, यहाँ भी वही पोटेंशियल बराबर डी एफ बाय डी एक्स, यानी कि डी यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस df, f को लिख सकते हैं d और q जो था उसको हम बाहर निकाल सकते हैं by dx, और q से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा dv, ठीक है। तो ये नया चीज नहीं है, जो हम लोग 11th में पढ़े थे वही चीज है, बस एक अलग फॉर्मेट में है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में, क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे देंगे, तो क्वेश्चन वैसा ही रहेगा जैसा हम लोग स्पीड वेलोसिटी इन सब चीज के बारे में पढ़े थे, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म वैसा ही कुछ दिख रहा है। हम लोग क्या लिखते थे, ds by dt is equal to v, या फिर ds is equal to v dt, वेलोसिटी है, टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट, वैसा ही कुछ दिख रहा है रिलेशन। तो यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, बस ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ भी जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर है, और ये क्वांटिटी जो है वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ही सीखते हैं कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, मान लेते हैं टू आई कैप दे रखा है, टू आई कैप कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड टू है और आई यानी कि एक्स डायरेक्शन में
एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड VA माइनस VB, VA माइनस VB फाइंड करना है और A जो है, ठीक है, A जो है 2.3 है और B जो है वो ले लेते हैं हम लोग 0.5, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ हमको dr चाहिए होगा, a पॉइंट ये है, b पॉइंट ये है, यानी कि dr बोले तो r a से भी, a वेक्टर के बारे में बोल रहा है, तो r a b यानी कि r वेक्टर माइनस r b वेक्टर, और r a वेक्टर क्या लिखते हैं हम लोग, 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 0i कैप प्लस 5j कैप। तो कितना हो जाएगा, आई को आई से घटाएंगे तो 2i माइनस 2j कैप, क्लियर है। ये आर ए भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको भी फाइंड करना है तो ई माइनस ई डॉट डी आर, यही आ रहा है। और डी आर चूंकि यहाँ वेरिएबल नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आर ही यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 2i कैप डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप, डॉट प्रोडक्ट आता है, i का i से मल्टीपल होगा और ये आ जाएगा माइनस 4, ठीक है। ऐसे ही हमको फाइंड करना है, यानी कि हम नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं कि अगर हमको dv बराबर e डॉट dr का नेगेटिव हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे E अगर EX I कैप प्लस EY Z कैप प्लस EZ K कैप के फॉर्म में दे रखा है, तब DR इज इक्वल टू हमको क्या है कि यूज करना है, DX I कैप प्लस DY Z कैप प्लस DZ K कैप, ठीक है। यानी कि dr को हमको ये रख लेना है और इंटीग्रेट कर लेना है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है, ये दे रखा है और a दिया है 0.3 टू b 3.5, यहां से आ जाना है। अब यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है x और y में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे dv कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, माइनस ई का वैल्यू लिख लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये सब बात पुरानी बातें हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पूछ लो कि डॉट प्रोडक्ट में कैसे क्या चेंजेस हो रहा है। अब यहाँ dr की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू रखेंगे और ये आ जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। डॉट प्रोडक्ट में i i के साथ jj के साथ होता है तो माइनस x dx आएगा इसका इसके साथ, और इस वाले का इसके साथ करेंगे तो माइनस y dy आएगा, और z है नहीं तो जीरो हो जाएगा। ये सब कहां से कहां जा रहा है, ए से बी, ए से, ठीक है। यहां से जाएगा माइनस एक्स डी एक्स, ए क्या है, तो ए में एक्स जीरो है, बी में एक्स थ्री है, ये कहां से कहां जाएगा, जीरो से थ्री माइनस, ये ए में वाई कहां है तो थ्री, और बी में फाइव, ये थ्री से फाइव वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू थ्री से फाइव, सॉल्व कर लेना है। अब
आ जाएगा माइनस, थ्री पुट करेंगे तो 9/2, जीरो पुट करेंगे तो जीरो, माइनस यहाँ आ जाएगा 5, 25/2 माइनस 9/2। तो देखो सॉल्व करने से 9/2 कट जाएगा, कितना वोल्ट बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल एक ही प्रोसेस है, इसमें और कुछ करना होता नहीं है, बस यही स्टेप को हमको हर समय करना पड़ता है, यानी कि ई डॉट डी आर, और डी आर की जगह हमको ये वैल्यू पुट करना पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन आता है और बच्चे लोग गलती करते हैं कि डी आर हम क्या लें, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स वाई एक डायरेक्शन में रहा तो हम डी एक्स ले लेंगे, सिर्फ वाई में रहा तो डी वाई ले लेंगे, लेकिन एक्स वाई में रहा तो क्या लेंगे, यहाँ डीजेड नहीं भी लेते तो चलता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसी चीज का नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस डीवी बाई डी आर होता है, ठीक है, ये भी नोट ही है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डीवी बाई डी आर। अब यहां ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी कैसा है, स्केलर है, और ये क्वांटिटी वेक्टर। हाँ बोलो, हेलो। अब स्केलर को वेक्टर में कैसे रिलेट करेंगे, तो इसके लिए ऐसे लिखा जाता है, इस बात को ध्यान से रखना, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यही चीज यूज करेंगे। सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग नेबला पढ़ते हैं, ये घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि इसका जनरल टर्म ऐसा हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, यानी कि इस चीज का ही ये चीज लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, नेबुला से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ डेल डेल का मतलब सबको पता है, ऐसा कभी भी लिखा रहता है, इसका मतलब पता है, कोई भी फंक्शन है बोलो, यहाँ डेल का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डेल जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पे एक्स है तो सिर्फ एक्स वाले टर्म को ही वेरिएबल मानेंगे, यहाँ वाई है तो सिर्फ वाई वाले टर्म को वेरिएबल, यहाँ जेड है तो सिर्फ जेड वाले टर्म को वेरिएबल। अब ये जो हमारे रिलेशन यहाँ ऐसा था, वो वेक्टर फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म में इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर जनरली हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन कभी अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहा तो हमको ऐसे यूज करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भी बराबर हम मान लेते हैं कि दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई फाइंड डी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो ई बराबर जो होगा हमारा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जेड कैप। हम आगे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें जेड वाला टर्म है नहीं, तो अपने आप जीरो हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ दो ही टर्म लिख रहे हैं। यहाँ पे भी है, यानी कि इस वाले टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, यहाँ हम इसको डी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ आई कैप डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई डी वाई से। ठीक है, इस वाले केस में यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई है, नीचे एक्स है, नीचे एक्स है, इसका मतलब सिर्फ एक्स वाले को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी कोई भी टर्म होगा उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और वाई वाई यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, कांस्टेंट, तो हो जाएगा जीरो प्लस जीरो आई कैप। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक है ब्रैकेट तो लगा लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे अब देखते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ y है, तो x स्क्वायर इसके लिए कांस्टेंट की तरह होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो जीरो प्लस, अब y का जो डिफरेंशिएशन होगा वन होगा और वह जाएगा जे कैप, तो यहाँ से हमको कितना मिल गया माइनस टू एक्स आई कैप माइनस प्लस तो माइनस जे कैप, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। यानी कि इसका कोई और अर्थ नहीं है, बस एक जनरल प्रोसेस है, कभी भी आए हमको यही काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यही रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा देन रिलेशन बिटवीन वी एंड, ठीक है, वी और ई में तब रिलेशन कैसे लिखेंगे। अच्छा कोई बताएगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में मिलता है हमको? जितना भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं उसमें यूनिफॉर्म कब आता है? कौन से केस में यूनिफॉर्म आता है? क्वेश्चन नहीं समझ रहे। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण पढ़े थे ना, जैसे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, सेल के कारण, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आता है? बोलो। सॉलिड स्फीयर ये सब केस में, सॉलिड स्फीयर में कहाँ यूनिफॉर्म आता है? वहां तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है, आर के साथ वेरी करता है ना। इनफाइनाइट सीट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, आर के साथ वेरी कर रहा है? नहीं सर। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब यूज करेंगे तो पैरेलल होंगे, आपस में इक्वी दूरी पे होंगे, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म को। तो ये हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमको बी और ई में इसमें रिलेशन निकालना है। मान लेते हैं पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी इधर कहीं है, ठीक है, और ये जो दूरी दे रखा है ये दूरी डी दे रखा है, हमको फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी क्या हो, इसी से हमारा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम वी ए माइनस वी बी यानी डी बी का ही बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ? तो ए से बी इक्वल टू ई यूनिफॉर्म है तो हम इसको बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा आर वेक्टर होगा, डी आर वेक्टर कहाँ से कहाँ? ए से बी। ये जो डी आर वेक्टर ए से बी दिखा रहा है, अगर ध्यान से देखें तो और कुछ नहीं, ये ए वाला जो हमारा वेक्टर है यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई इंटू आर ए बी, दोनों वेक्टर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत? ये कैसे लिखें? यहाँ dv है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो वी ए माइनस वी बी, इधर माइनस ई यूनिफॉर्म है तो बाहर आ गया। और ये वाला चीज है dr वेक्टर का सम, मान लेते हैं कि ये a है ये b, ऐसा कहीं भी रहता अगर हम इसको वेक्टरली सम कर रहे हैं, यानी कि ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये हमारा इंटीग्रल वाला टर्म आ रहा है ये और कुछ नहीं आर ए बी है, ठीक है। और अगर हम बोले कि ये एंगल थीटा बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर है आर ए बी का,
यहां से हम इसको लिख सकते हैं माइनस ई इंटू आर ए बी का जो डिस्टेंस होगा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, माइनस को हम इधर लेते आते हैं तो लिख सकते हैं वी ए माइनस वी वी इक्वल टू ई। ये देखो आर ए बी कॉस थीटा, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ऐसा ट्रेंगल है। ठीक है, ये आर ए बी है और ये थीटा है, ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा आर ए बी कॉस थीटा, जो कि कितना दे रखा है डी के बराबर। यहां से ये हमारा कितना जा रहा है ई इंटू डी। ठीक है, यानी कि अगर हमको यहाँ से जनरलाइज फॉर्म में हम इस चीज को बोलना चाहें तो जो भी चीज हम लोग अभी पढ़े निकालें उसको अगर जनरल वे में बोलना चाहें तो E इंटू डी आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं तो ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि हम बोल सकते हैं वी ए जो होगा वो ग्रेटर देन वी वी होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से हम अगर जनरल टर्म में बात करें इन जनरल, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट ए है, इधर कोई पॉइंट बी है, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है घट रहा है, यानी कि वी ए जो है ग्रेटर देन वी बी है। तो हम बोल सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो पोटेंशियल है ये दोनों के बीच में अगर ये डी दूरी है तो ये तो पहला पॉइंट आया, सेकेंड पॉइंट ये आ जाएगा कि वी ए माइनस वी बी जो होगा वो कितना आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ए बिटवीन इनटू डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना डिस्टेंस है वो लेना है। अगर ये हम बी यहां ना देखे इधर कहीं सी पॉइंट दिए रहते हैं तो हमको इसमें ये वाला डिस्टेंस नहीं लेके हमको इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये अगर क्लियर है तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इजी इजी क्वेश्चंस रहता है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E है जो कि 20 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट सी है और इधर कहीं पॉइंट डी है। ठीक है, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्वेश्चन है फाइंड पहला बी सी, सेकेंड बी सी माइनस वी बी, थर्ड वी ए माइनस वी डी, फोर्थ वी बी माइनस वी डी, फिफ्थ अरेंज पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी एंड डी, इन चारों जगह पे पोटेंशियल क्या होगा उनको अरेंज करना। ठीक है, अरेंज करो।
बोलो कितना आ रहा है बी ए माइनस बी सी? 80 80 आ रहा है सेंटीमीटर में है। ये डिस्टेंस 4 लेंगे यानी कि 20 इंटू 4 बाई 100 ये आएगा, 80 नहीं आया कि कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, ये सेंटीमीटर शायद तुम छोड़ दिए थे। बी सी माइनस बी ए, बी सी माइनस बी बी, हमको ये डिस्टेंस तो कोई मतलब है नहीं है वर्टिकल। हाँ यानी 20 इंटू 2 बाई 100। यहाँ ध्यान रहे कि बी और सी में ग्रेटर कौन सा होगा? बी होगा क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है, तो ये क्या आ जाएगा निगेटिव। बात समझ आया? हाँ सर। ठीक है, वैसे ही वी ए माइनस वी डी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी सी के बराबर ही रहेगा हाँ सर उतना ही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही है, इसी के बराबर रहेगा यानी कि 0.8 वोल्ट ही रहेगा। वैसे ही वी वी माइनस वी डी निकाल सकते हैं, ये वी वी माइनस वी सी के बराबर रहेगा। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी कि इसको हम 0.4 वोल्ट ले सकते हैं। और अरेंज करना है हमको ये, तो सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा ए पे, क्योंकि इन द डायरेक्शन यानी कि इधर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घट रहा है ग्रेटर देन वी बी। और सी और डी एक ही पॉइंट पे है, वर्टिकली ऊपर है, तो वी सी और वी डी जो होगा आपस में बराबर होगा। बराबर कैसे होगा, ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है। अगर हम ए पॉइंट यहाँ ले और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी यहाँ ले ले, ठीक है 90 डिग्री, तो सोचो बी बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, और ये वर्क डन जो होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर यहाँ हम एक क्यू चार्ज रखें तो उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर लगेगा क्यू इंटू वी, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इधर की तरफ हो रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो। तो वी यानी डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी बराबर कितना आ गया, जीरो। यानी डेल्टा वी करने का मतलब वी ए माइनस वी वी इक्वल टू जीरो, यानी कि वी ए इक्वल टू वी वी। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा हम दो पॉइंट लिए हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है तो वहां पोटेंशियल कितना आ रहा है, सेम। ठीक है, ये जो पोटेंशियल सेम आ रहा है यानी कि हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट है, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे अगर हम एक ऐसा प्लेन एज्यूम कर लें, ठीक है, ये कोई प्लेन है, रियल हो सकता है या फिर इमेजिनरी, और यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो बी ए इक्वल टू बी भी आया था। ठीक है, यानी कि इस प्लेन का जो पोटेंशियल है वो सेम है, इस प्लेन पे कहीं भी पॉइंट ले लें सब पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। यानी कि ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि ये जो सरफेस है, ठीक है, और कुछ नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ही है, सरफेस यानी जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा उसे हम क्या नाम देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो वही चीज है सर। ऊपर वाला नेगेटिव साइन कैसा है तो एक बार बता दीजिए ना, क्या चीज, वो ऊपर वाला सेकंड क्वेश्चन नेगेटिव साइन कैसा है यहाँ पे -0.4। ये सी पॉइंट इधर है
और बी पॉइंट इधर है, ठीक है, और हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल घट रहा है, तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है या सी का? बी का, बोलो, बी का ज्यादा है, यानी कि कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव है। वैसे ही दूसरा, अगर वेक्टर यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, ऐसा दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सी पॉइंट इधर, बी पॉइंट इधर, सी माइनस बी यानी कि इधर की तरफ वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो एंगल जो हो जाता है कॉस थीटा ऑब्ट्यूस रहता है, तो क्या आता है? निगेटिव आता है। हाँ सर। तो ई डॉट आर ही करना है, तो वैसे भी क्या आ रहा है? निगेटिव, ठीक है। तो वेक्टर भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग इस केस में डायरेक्टली अपना समझ लेते हैं और उसी चीज को यूज करते हैं, वेक्टर में कौन दिमाग लगा है? ठीक है, अब यहाँ आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, समझ में तो आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं, तो डिफिनेशन में लिख रहे हैं कि सरफेसेस, ठीक है, ये आइडियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, या फिर रियल हो सकता है। रियल करने का मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ऑन विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम। Throughout the surface is called equipotential surface. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? Equipotential surface कहते हैं, यानी कि ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर हो, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, यानी कि अगर हमारा सरफेस हो गया तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सेकंड, ठीक है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ठीक है, मान लेते हैं कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहाँ पे हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये हमारा सरफेस है। अगर हम इस सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं किसी एक चार्ज को, एक चार्ज है इसको यहाँ से उठा के इस लाइन से ए से बी पे ले जाते हैं, तो वर्क डन क्या होगा? सोचो, वर्क डन क्या आ रहा था? जीरो आ रहा, यानी कि हम उसी चीज को लिख लेते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज या इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। Will be zero. ठीक है, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी चार्ज को मूव करते हैं तो उस पे जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। ठीक है, थर्ड, टू सरफेसेस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस इच अदर। ठीक है,
दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो ये बात समझ लो कि मान लेते हैं कि एक सरफेस हो गया तो इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा एक सरफेस ऐसा मान लेते हैं तो इससे भी परपेंडिकुलर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो जा रहा है। और ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में कट नहीं करते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस भी आपस में कभी क्रॉस नहीं करेगा। बात क्लियर है? तो ये वाला जो रीजन है ये पहले लिखा जा चुका है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखा रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उनसे परपेंडिकुलर होता है, और अगर परपेंडिकुलर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहला पॉइंट चार्ज के लिए कैसा आएगा? ठीक है, अगर एक कोई चार्ज क्यू है तो यहां से अगर हम r दूरी पे कहीं भी जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाई आर, यानी कि r दूरी पे कहीं भी रहेंगे एक यहाँ स्फेयर बना लें, ठीक है स्फेयर है, तो इस स्फेयर पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। सब अगर r r दूरी पे है तो पोटेंशियल हम इस स्फेयर पे लिख सकते हैं कि के क्यू बाई आर होगा, और वो हर डायरेक्शन में सेम होगा, यानी पॉइंट चार्ज के लिए जो शेप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्फेरिकल। यानी कि इस केस में जो एक ही पोटेंशियल सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा, यानी कि अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पे वो ऐसा हो, इस चार्ज को कंसेंट्रिक मानते हुए हम जितने भी स्फेयर्स ड्रॉ करेंगे वो सारे क्या होंगे, एक ही पोटेंशियल सरफेस होंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर लाइन चार्ज रहा, मान लेते हैं कि लाइन चार्ज, ठीक है एक लाइन चार्ज है, इस पे चार्ज ऐसे दे रखा है, तो इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो इससे हम अगर r दूरी पे जाके एक ऐसा सिलेंडर बना लें, तो इस सिलेंडर पे सोचो कि चारों ओर r दूरी पे जाएंगे तो हमको पोटेंशियल सब सिमेट्रिकल दिख रहा है, यानी कि पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यानी लाइन चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा है वो सिलेंड्रिकल आ रहा है। और अगर हम इनफाइनाइट शीट के लिए बोलें, ठीक है इनफाइनाइट शीट अगर ले लें तो इसके लिए कैसा आएगा, मान लेते हैं ये हमारा इनफाइनाइट शीट है, इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है ये प्लस, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि पैरेलल ऐसा मान सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे अगर एक ऐसा प्लेन, इस जो इन्फिनाइट सीट था उसी के पैरेलल अगर कोई प्लेन हम बना लें तो ये सारे प्लेन्स के पोटेंशियल क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी कि इसमें जो आएगा प्लेट टाइप का ही इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा तो किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, और फिर उससे आगे फिर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स करेंगे, यानी कि स्फीयर है कंडक्टिंग है उस पर चार्ज दे दिया गया है तो उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर चार्ज दे देंगे तो पोटेंशियल कैसा होगा, वो सब चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर सेल्फ एनर्जी सीखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग फिर कंडक्टर्स के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। और कंडक्टर का प्रॉपर्टी खत्म होगा तो फिर डाइलेक्ट्रिक आएगा, डाइलेक्ट्रिक के बाद फिर कैपेसिटी, तो तीन चार लेक्चर में कैपेसिटेंस पे पहुंच जाएंगे। तुम लोग स्कूल में कहाँ तक हो गया है सुधांशु?
हाँ सर, स्कूल में कहाँ तक हो गया है? स्कूल में यही मतलब आज पार्शियल डिफरेंशिएशन करा वही हो रहा था आज। अच्छा ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर।